टॉप नोच एमिनिटीज के साथ आज का हमारा फ्लैट रहने वाला है 1250 स्क्वायर फीट में 2 BHK। और लोकेशन रहने वाली है बैंग ऑन खरड़ मनाली हाईवे और गेटेड सोसाइटी है रेरा अप्रूव्ड। आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, पार्क फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, S+12 का कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है। आइए मिलते हैं आपसे लिफ्ट के पास। तो गाइज ये आपकी लिफ्ट रहने वाली है, 2 लिफ्ट आपको मिल जाती है, 1 फ्लोर पे आमने सामने की तरफ को आपको फ्लैट मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम फ्लैट की ओर। तो गाइज ये आपका रहने वाला है फ्लैट, एंटर करते ही आ जाता है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। वॉल पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा वर्क हमने करवा के दिया है। रीसेल प्रॉपर्टी है गाइज, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये रीसेल पे है। तो यहाँ पे आपका मिल जाता है डाइनिंग एरिया के लिए स्पेस। ऊपर की तरफ को आपको डाउन सीलिंग लाइट से एज इट इज आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। और यहीं से ही आपकी मिल जाती है बालकनी के लिए एसेस, ये आपकी बालकनी रहने वाली है। और ये हमारा पार्क फेसिंग की तरफ को फ्लैट रहने वाला है, सामने की तरफ को आपको पार्क नज़र आ रहा होगा। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है और साथ ही इसी लिविंग एरिया के साथ आपको दे रखा है पाउडर रूम, आप यहाँ से भी अपना जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। सबसे पहले किचन की हम बात करें तो एल शेप में आपको यहाँ मिल जाता है किचन, छोटी फैमिली के लिए काफ़ी इनफ स्पेस में आपको किचन मिल जाता है। बहुत आपको यहाँ पे कवर्स मिल जाते हैं जहाँ पे इजीली आप अपना सामान जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका पूजा रूम, बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं या स्टोर रूम बनाना चाहे वो भी आप बना सकते हैं। ये आपका रहने वाला है फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम की बात करें काफ़ी अच्छे साइज में है, काफ़ी स्पेशियस है और सेम एज इट इज़ इसी तरह का वर्क आपको मिलने वाला है। आपका बेड लग सकता है यहाँ पे, तो बोथ साइड आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हमने पैनलिंग का वर्क कर रखा है। और ये आ जाते हैं आपके वार्डरोब्स, फुल हाइट तक आपको वार्डरोब्स मिलने वाली हैं। और इसी बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम और साथ ही हमने यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया के लिए भी प्रोविज़न दे रखा है। ये आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है। चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की एंट्री बिल्कुल आपके जो लिविंग एरिया है वहाँ से रहने वाली है। तो ये आपका आ जाता है सेकंड बेडरूम, ये भी काफ़ी अच्छे साइज में है। वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है क्योंकि प्रॉपर हमने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ आपको दे रखी है। साथ ही आपके आ जाते हैं वार्डरोब्स और इसी बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम जो कि आप बेडरूम से भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप अपना लिविंग एरिया से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस रहने वाला है 50 लाख, इस फ्लैट का प्राइस रहने वाला है। लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप लोन भी करवा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप फैमिलीज अपना बढ़िया सोसाइटी में अगर देख रहे हैं तो आप ये फ्लैट अपना जो है बुक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी रिहाइश है। जो हमारे ओनर है वो ऑलरेडी इस सोसाइटी में अपना 4 से 5 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे रह के गए हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और बिल्कुल आपका हाईवे के पास है। और यहाँ से अगर आपने चंडीगढ़ जाना हो सिर्फ आपका 10 मिनट की ड्राइव पे आप इजीली यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच सकते हैं। अगर आपने रेंटल इनकम भी लेनी हो तो आप ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मिल जाती है आपको 2 यूनिवर्सिटी, 5 कॉलेजेज है। रियात बहरा यूनिवर्सिटी यहाँ से सिर्फ आपका 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और रेंटल इनकम जो आपको यहाँ से अर्न होगी इस फ्लैट से वो होने वाली है आपकी 25,000 के आसपास, आप यहाँ से रेंट अर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए एंड थैंक यू सो मच।